हमारे देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की सभा में मौजूद करके जनता ने यहाँ आपके स्वागत करता हूँ और आदरणीय निदेशक महोदय के मदद करता हूँ जो कृपया ध्वजारोहण करते हैं। पसंद की चोला मेरा दिल पसंद की चोला
शुरुआत है।
ये बहुत बड़ा मील का पत्थर है हमारे हमारे देश के आजाद स्वतंत्र स्वरूप का। और 75 वर्ष एक बहुत लंबा कार्यकाल होता है। इस वर्ष निश्चय ही हमारे हमारे देश के विकास के लिए और अधिक कदम उठाए जाएंगे और एक राष्ट्रीयता की जो भावना हमें है इसको और बढ़ चढ़ के हम लोग आगे बढ़ाएंगे ताकि हम सभी भारतवासियों को अपने देश पे उसी दर्जे नाज हो फख्र हो जो कि किसी भी विकसित देश में होता है। मैं इस मौके पर ये भी कहना चाहूँगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से ये कामना करना चाहता हूँ कि इस आज़ादी के 75वें वर्ष में हमें COVID-19 से पूरी तरह से मुक्ति मिले और ये जो एक न सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक आम जीवन को में बाधक बन के उभरा है इससे हमें किसी तरह से निजात मिले। हम लोगों ने पिछले कुछ माह में बहुत बुरा समय देखा है न सिर्फ हमने पूरे विश्व में और मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ आप सभी की हमारे रणजीत संस्थान परिवार की जिन्होंने एकजुट होकर एक संगठित होकर इसका सामना किया और बहुत अच्छी तरह से सामना किया और ये जो एक ऐसा खतरा आया था किसी तरह से फिलहाल चला और हम इससे उभरे हैं। हालांकि ये था आसान नहीं था हमने अपने कुछ साथियों को इस दौरान खोया है और एक बार पुनः मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ उनके लिए उनके परिवारों के लिए और हमसे जो बल पड़ रहा है उनकी सहायता के लिए हम कर रहे हैं और आप सभी उसमें भागीदार हैं। और मैं इस मौके पर विशेष रूप से हमारी जो कर्मचारी कल्याण निधि है उसकी विशेष रूप से प्रशंसा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस दुख की घड़ी में इस मुश्किल की घड़ी में इन सभी परिवारों की मदद की और न सिर्फ इन सभी परिवारों की पिछले कई वर्षों में जो इस तरह के परिवार थे जिन्हें कोई जैसा बहुत बड़ा धक्का लगा था उन सभी की मदद के लिए वो आगे बढ़े उनकी मैं कर्मचारी कल्याण निधि की विशेष तौर पर आप सभी की आप सबसे जो बन पड़ा आप सबसे मदद की आप सभी की बहुत बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ। और जो एकजुटता हमने इसमें दिखाई वो एक मिसाल है हमारे आगे के भविष्य के लिए। अब हम देखा जाए तो इस महामारी से काफी हद तक उबर चुके हैं लेकिन समय ऐसा है कि हमें अभी भी बहुत ज्यादा सतर्क रहना है क्योंकि हर तरह की आशंकाएं बताई जा रही हैं आने वाले समय में और हमें पूरी तरह से तैयार रहना है। मेरे विचार से हमारे संस्थान में लगभग सभी लोगों ने टीकाकरण करा लिया है और मैं आह्वान करूंगा जिनका भी कोई चाहे दूसरी डोज बची हो या किसी ने अगर कोई भी डोज नहीं लगाई है तो तुरंत इसको ग्रहण करें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा COVID-19 से हमारी लड़ाई में। हम लोग पिछले लगभग 1.5 महीने से अपनी लगभग सामान्य गतिविधियों को प्रारंभ कर चुके हैं और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे संकाय सदस्य हमारे रिसर्चर सभी लोग फूल की तरह पूरी तत्परता के साथ अपने कार्य को निभा रहे हैं फील्ड में दौरे भी कर रहे हैं एहतियात के साथ और इसी दौरान हमारा जो एनएससी का पाठ्यक्रम था वो भी पूर्ण हुआ और कुशलता से पूर्ण हुआ जिस तरह से उनकी तरफ से जो प्रेजेंटेशन दिए गए अपने डिसर्टेशन की उसकी हर किसी ने तारीफ की न सिर्फ संस्थान के लोगों ने बल्कि जो बाहर से आए लोगों ने उनके द्वारा भी। तो अब हम पूरी तरह से तैयार हैं पूरे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। और हमारी जो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इस मौके पे 75 वर्ष
शुरू हो गया है, 75वां वर्ष शुरू हो गया हमारी आजादी का। और आप सभी ने ये देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों से भारत की गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रों में होने लगी है। जो हमारे साथ के जो लोग हैं, मेरी उम्र के जो लोग हैं, संख्या सदस्य, हमें एक बहुत गरीब भुखियारी देश माना जाता था आज से 30-40-50 साल पहले। वो जो हमारी इमेज थी वो पूरी तरह से हट चुकी है और हम एक शक्तिशाली देश के रूप में दुनिया के सामने उभरे हैं। और मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे तो यही बातें होती थी कि पश्चिमी देशों में कि कैसी सुविधाएं हैं, वहाँ की सड़कें ऐसी हैं, वहाँ की सारी सुविधाएं इस तरह की हैं। अब उस तरह की सुविधाएं हमारे देश में भी आने लगी हैं, बहुत तेजी से आ रही हैं। मेरे विचार से जिन लोगों ने भी पिछले कुछ वर्षों में ट्रैवल किया होगा वो इस चेंज को खुद देख रहे होंगे। तो हमारा देश विकास के मार्ग पे प्रशस्त है और यहाँ पे हमारे संस्थान का ये बहुत अहम भूमिका आ जाती है। और मेरे जो संकाय साथी हैं वो सब इस बात से सहमत होंगे कि हमें बहुत सारे कार्य ऐसे मिल रहे हैं जहाँ हमें विकास और पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण में सामंजस्य बनाने का कार्य हमें बार बार मिल रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और मुझे खुशी की बात की है कि अधिकांश जो विकास से संबंधित संस्थाएं हैं या विभाग हैं वे भी अब जैव विविधता संरक्षण के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं, पहले से कहीं ज्यादा तत्पर हैं। तो ये सुनहरी मौका है जब हम इस सामंजस्य को भली भांति कर सकते हैं। और इसमें हमारी योग्यता का भी एक तरह से परीक्षण है। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे संकाय सदस्य इस कार्य को बखूबी निभा रहे हैं, उनपे लगातार इस तरह के कार्य का एक तरह से कहूँगा मैं दबाव आ रहा है। लेकिन ये ऐसी चीज है जो कि देश के विकास में भागीदार है, तो इसलिए इसमें हमको पूरी तत्परता से अपना योगदान देना है। कुछ बहुत विशेष कार्य हमारे संस्थान द्वारा इस समय किए जा रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण के एक कार्य बताना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रपति भवन की जैव विविधता का आकलन हम कर रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो देश के जो सर्वोच्च महामहिम हैं उनके उनके जो उनका जो कैंपस है उसकी जैव विविधता का भी हम लोग आकलन कर रहे हैं। तो ये तरह से प्रतिबिंब है इस बात का कि हमारे जो कार्य हैं वो कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ कहाँ तक पहुँच रहे हैं। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा है कि किसी भी संस्थान को चलाने के लिए वहाँ का प्रशासकीय व्यवस्था सुदृढ़ होनी बहुत आवश्यकता होती, और इस क्रम में कई कार्य किए गए हैं और आगे भी ये कार्य जारी रहेगा। कई ऐसे कार्य थे जो बहुत सालों से पेंडिंग थे। उदाहरण के लिए मैं गाड़ियों के कंडेमनेशन की बात करूँगा जो कभी 10 साल से पेंडिंग था वो फाइनली अब हो चुका है। और हम शायद ये जो पुरानी जन खाई की गाड़ियाँ हैं उनसे मुक्ति पाएंगे। इसी तरह से बहुत चीज़ें पुरानी जो पड़ी थी यहाँ पे उनसे हमने कैंपस की एक तरह से कहूँगा मैं सफाई की है और नया स्पेस क्रिएट हुआ है। और इसी तरह के कार्य आगे भी जारी रहेंगे। गत वित्तीय वर्ष और ये वित्तीय वर्ष ये दोनों बहुत विषम वित्तीय वर्ष हैं क्योंकि पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर COVID-19 का बहुत बुरा असर पड़ा है। सभी ये चीज सबको मिले और देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं हर आम आदमी, हम लोग तो एक फिर भी मैं कहूँगा एक सुरक्षित वातावरण में रह रहे हैं। लेकिन अगर आप एक आम आदमी को जो सड़क पे शायद रोज की कमाई पे जिंदा रहता है उसकी तो जैसे कमर ही टूट गई। तो ये बहुत बहुत बुरा समय है हमारे देश के लिए। हमारी अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है और इसका असर हर चीज पे पड़ा है और हमारा संस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा है। जिस तरह के बजट में कमी हमें झेलनी पड़ी है पिछले वित्तीय वर्ष और इस वित्तीय वर्ष वो अभूतपूर्व है। ऐसी कमी कभी नहीं देखी गई थी। तो मुझे फिर भी इस सबके बावजूद खुशी इस बात की है कि संस्थान के कार्य रुके नहीं, संस्थान के कार्य चलते रहे। और न सिर्फ ये, कई कार्य ऐसे हुए जो कि कई साल पूर्व से हो जाने चाहिए थे और इन विषम वर्षों में किए गए, चाहे वो कैंपस की फेंसिंग हो, चाहे जनरल मेंटेनेंस हो,
और मेरे ख्याल से सीधी हमारी सड़कों को भी सुदृढ़ किया जाना है। तो इस तरह से जो जनरल मेंटेनेंस है उसमें बहुत अच्छा कार्य किया गया है और मैं प्रशासन का पूरे प्रशासन संस्थान के प्रशंसा करना चाहूँगा ऐसे इस मौके पर कि उन्होंने इन विषम परिस्थितियों में भी जिस तरह के कार्य किए हैं वो निश्चय ही एक बहुत तारीफ का विषय है। हमारे कर्मचारियों के कल्याण के लिए अधिकारियों के कल्याण के कार्यक्रम जारी रहेंगे आने वाले समय में भी, और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि इस आज़ादी के 75वें वर्ष में हम कोविड से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे ये मैं कामना करता हूँ, और हम कर्मचारियों के भले के लिए कई कार्य कर रहे हैं या करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत अभूतपूर्व कार्य होने वाला है कि हमारे जो आउटसोर्सिंग से जो लोग आते हैं उनकी जो संख्याएं हैं उसमें इजाफा होने वाला है, जो कि राजकीय नियमों के अनुकूल ही है लेकिन इन कारणों से नहीं हो पा रहा था, तो वो भी हम करने जा रहे हैं क्योंकि ये लोग मैं कहूँगा दे आर मैन बिहाइंड द सीन्स एंड पर्दे के पीछे रहने वाले से काम करने वाले लोग हैं, लेकिन इनका सपोर्ट भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। साथ ही हमारा प्रयास है कि कुछ मेडिकल कैंप भी करें, कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कैंप भी करें जिससे हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा हो, और ये चीज ही किए जाएंगे मेरे विचार से। एक मेडिकल कैंप तो इसी हफ्ते में लैंड है, तो मैं यही कामना करूंगा कि आपने जो हौसला दिखाया है कोविड के मुश्किल समय में उस हौसले को आप जारी रखेंगे, और ये जो आज़ादी का 75वां वर्ष है, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका आह्वान किया है, ये बदलाव का वर्ष होगा हमारे लिए कि हम कैसे एक बड़ी मुश्किल से उभर के हम पहले से भी बेहतर हो जाएं, ये मैं कामना करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपको अपने इस स्वतंत्रता दिवस की 75वें स्वतंत्रता दिवस की फिर से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय निदेशकों के नतीजे सभा को संपन्न होने की मैं आप सभी बहुत बधाई बहुत बहुत धन्यवाद। Okay.